एक्टर वरुण धवन और जाह्नवी कपूर जल्द ही फिल्म बवाल में नजर आने वाले हैं। नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित अपकमिंग फिल्म बवाल जुलाई में रिलीज होगी। इस फिल्म में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर पहली बार एक साथ बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे। यह फिल्म जुलाई में भारत और दुनिया भर के 200 देशों और क्षेत्रों में विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर दिखाई जाएगी। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद कुछ यूजर्स उनकी तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कुछ यूजर्स ने जमकर ट्रोल कर रहे हैं। बता दें, मंगलवार को बवाल की स्क्रीनिंग रखी गई थी। उस दौरान इस फिल्म के सितारे शामिल हुए थे। वहीं स्क्रीनिंग नाइट के लिए जाह्नवी कपूर ने एक हॉट और सेक्सी मेटेलिक सिल्वर मरमेड गाउन पहना हुआ था। उन्होंने बिना किसी एक्सेसरीज के न्यूड मेकअप चुना था। हालांकि वीडियो के वेब पर सामने आने के तुरंत बाद नेटिजन्स ने उन्हें ट्रोल किया और उनकी तुलना प्लास्टिक और फॉयल से की। लुक पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, एक्टिंग पर कम लेकिन फिगर पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया है। एक ने कहा, प्लास्टिक कपूर। एक तीसरे नेटिजन ने कमेंट करते हुए कहा, ये फॉयल पेपर में प्लास्टिक किसने भरा। जबकि चौथे ने लिखा, आगे प्लास्टिक पीछे प्लास्टिक मुंह पे प्लास्टिक, सब कुछ प्लास्टिक से बना है। पांचवें ट्रोल ने लिखा, प्लास्टिक रबर और बोटोक्स। कुछ अन्य ट्रोल्स ने उन्हें कहा, प्लास्टिक पन्नी में ढका हुआ। जाह्नवी कपूर के वर्कफ्रंट की बात करें तो NTR 30 के अलावा कई प्रोजेक्ट्स में बिजी चल रही हैं। इसके अलावा वह राजकुमार राव के साथ मिस्टर एंड मिसेज माही में नजर आने वाली हैं। जाह्नवी आखिरी बार अपने पिता बोनी कपूर की फिल्म मिली में नजर आई थी। मिली मलयालम फिल्म हेलेन का हिंदी रीमेक है। हिंदी और मलयालम दोनों ही फिल्में मथुकुट्टी जेवियर के निर्देशन में बनी हैं।